जितने भी गृह प्रेमी इस आवाज को सुने अचल सुहाई हनुमान तब रवि मोहि पर जब लगी आओ सी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई सभी दर्शकों को। जैसे मैंने सुबह बताया था कि बैसाख का महीना चल रहा है आज और आज नरसिंह भगवान जी की जयंती भी थी, तो सुबह हम पंडित रमेश नेवाल जी के पास थे और आज अभी मेरे साथ रजनी शास्त्री जी मौजूद है जिन्होंने आज सुंदरकांड का यहाँ पर कार्यक्रम किया था। एक बार व्यवस्था दिखाएंगे अमन भैया और अब उनसे जानेंगे कि सुंदरकांड का क्या महत्व है, किस तरीके से समाज में जाना चाहिए और जो सबसे खास बात होती है सुंदरकांड में कि लोगों को अत्यंत सुख पहुंचता है उसे सुनने के बाद और काफी मतलब एक्साइटेड से लगते हैं लोग सुनने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृषानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भगवान रघुपति जी के जो प्रिय भक्त हैं अतुलित बल के धाम है और जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेते हैं, ज्ञान नामाग्रगण्यम ज्ञानियों में भी अग्रणीय है, तपस्या में श्रेष्ठ हैं, स्वामी भक्तता में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी के चरित्र का यह सुंदरकांड हमें इतना ज्ञान प्रदान करता है कि जीवन में यदि सुंदरकांड पाठ रामचरितमानस जो भी हमें प्राप्त हुआ है ये अतुलनीय धरोहर हमारे लिए, यदि हमारी यूथ इस पर चले तो मैं समझता हूँ जीवन में आप जिस प्रकार से परेशान होकर के घूम रहे हैं, तनाव में चल रहे हैं, तो सारी समस्याएं जीवन की स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और हनुमान जी आपके सारे कार्यों को सफल करेंगे। और हनुमान जी को मनाने के लिए ये बड़ा ही सुंदर पाठ है जिसका नाम ही सुंदर है, सुंदरता का वहाँ पर बखान है। तो मैं समझता हूँ यदि हमारी यूथ सुंदरकांड पाठ पर जाती है, उसका अनुसरण करती है, तो निश्चित रूप से सफलता की गारंटी भी है। तो कोई विशेष दिन रखा गया है सुंदरकांड रखने के लिए या कभी भी जैसे रख सकते हैं? आज आपने रखा तो आज आपने किससे रखा वो भी बताइए। देखिए भगवान की भक्ति के लिए भाव के लिए कोई दिन डिसाइड नहीं है और आप लोगों के माध्यम से हम जनता को इसलिए सारी चीज़ें बताते हैं कि लोग हमारी यूथ है वो जागरूक भी हो और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु और भक्ति श्रद्धा समन्विता, जिस किसी दिन में भी आपकी भक्ति है भाव है तो आप भगवान के नाम का गुणगान करें। फिर भी हनुमान जी को जो प्रिय दिन है वो हनुमान जी का मंगलवार है और शनिवार है। जो भी व्यक्ति शनि से पीड़ित होता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है, शनिवार के दिन भगवान श्री राम हनुमान जी का गुणगान हनुमान जी का गुणगान करेगा तो निश्चित रूप से उसकी सारी नकारात्मकता समाप्त होगी, उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होंगे और वो जीवन में निरंतर नई ऊंचाई की ओर पहुँचेगा। आपने पहले ही उत्तर में युवाओं की बात की थी तो युवाओं के लिए एक इस माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम तो चाहते हैं हमारे यूथ हैं सनातनी हैं, भारतवर्ष के ये युवा हैं, ये भारतवर्ष ने पूरे संसार में अपना वर्चस्व अपने वैदिक सनातन परंपरा की वजह से रखा है, तो उसे जीवित रखने का, उनसे पुनर्जीवित करने का भगवान राम ने जिस प्रकार से संदेश हमें जीवन में दिया, रामायण के जितने भी पात्र हैं वो पात्र हमें जीवन में कुछ ना कुछ शक्ति देते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को देते हैं, तो ऐसे ही हमारे हर एक पात्र से यदि हम शिक्षा लें, चाहे वो भगवान राम का हो, लक्ष्मण जी का हो, भरत जी का हो, जिसका लक्ष्य एक हो वो है लक्ष्मण, जो भार उठा सके वो है भरत, और जो जिसके नाम से शत्रु का अंत हो जाए वो है शत्रुघ्न, और राम जिनके नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में शांति प्राप्त होती है वो है भगवान राम। तो यदि हम उन चरित्रों का अनुसरण जीवन में करेंगे तो मैं समझता हूँ आप निरंतर आगे बढ़ेंगे और हमारे युवा धर्म की ओर मुड़े। और हनुमान जी का तो इस कलिकाल में विशेष ही महत्व है, चिरंजीव हैं, जो भी इनका नाम लेता है उसकी आयु आरोग्य बढ़ती है, उसकी परेशानियाँ दुख सब समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी शास्त्री जो जिस तरीके से अपने युवाओं को संदेश दिया है, सभी युवाओं को दिया है कि इस मार्ग पर चलकर देखना चाहिए आपको और बिल्कुल चलना चाहिए, रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों का जो समाधान है वो अवश्य होगा। अगली बार फिर रजनी शास्त्री से किसी ऐसे विशेष दिन पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।